Very enjoyable guy. Very enjoyable guy. Yeah, this is what we are doing. We are the man of the hour. मेरी तरफ से शाफेसल टीवी के मौजूद नाजरीन और सामईन को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एंटीक गाड़ियां दिखाएंगे जो 1930 से लेकर 2000 तक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुरानी सब गाड़ियों के बारे में जान जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शाफेसल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। कुछ दिन पहले मैंने पेशावर खैबर रोड पर एक बैनर देखा जिसमें पेशावर क्लब में कार शो का बताया गया था और सिर्फ वो लोग जा सकते थे जिनके साथ फैमिली थी। मैं भी अपनी फैमिली के साथ चला गया। पेशावर क्लब सदर में दरवेश मस्जिद के सामने वाकिया है। हम शामी रोड से होते हुए खैबर रोड और अमन चौक से गुजरकर सर सैयद रोड के रास्ते पेशावर क्लब पहुंच गए। हम जब पेशावर क्लब के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में ये होता है कि ये कोई डांसिंग क्लब होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तस किया गया है, जैसे इवेंट्स, शोज, एक्सरसाइजेस के लिए, जहां लोग आकर लुत्फानंदोज़ होते हैं। अच्छा, तो अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। हम जब पेशावर क्लब के अंदर चले गए तो वहाँ बहुत से लोग हमसे पहले मौजूद थे क्योंकि हम 2 बजे के करीब चले गए थे। कार शो में बहुत ज़्यादा एंटीक गाड़ियाँ थी। जहाँ BMW, मर्सिडीज, टोयोटा, फोर्ड, सुजुकी, रेंज रोवर, लैंड रोवर मौजूद थी। हम सब गाड़ियों को देखकर लुत्फानंदोज हुए। मैं बहुत सी गाड़ियों में बैठ भी गया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कार शो में पुश्तो मौसीकी और बैंड बाजा का भी एहतमाम किया गया था जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। मेरे साथ मेरा पापा और भाई भी थे, वो भी बहुत लुत्फानंदोज हुए।
मैंने मस्टिक टीवी को शो के बारे में कमेंट्स भी दिए और मैंने ये भी बता दिया कि ऐसे कार शो हर शहर में होने चाहिए ताकि उस शहर के लोग उससे लुत्फानंदोज हो सके। पिशावर क्लब में टी पार्टी का भी इंतजाम किया गया था।
नेचुरल है वो, इसके लिए अस्सलाम वालेकुम। ये लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे। इस तरह अगर आपको भी ऐसा मौका मिले तो इसे मिस ना करें और ज़रूर ऐसे इवेंट्स में शिरकत करें। शाह फैसल टीवी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।